see the sky. Oh my god. Hello. हम देख रहे हैं नई में लंदन. हम लोग पहली बार जा रहे हैं किसी भी दोस्त से मिलने के लिए. हेलो. चार महीने से ज्यादा? हाँ. चार महीने से भी ज्यादा हो चुका है और हम लोग बस में हैं अभी. मास्क कहाँ है आपका? और देख लीजिए बस के हम लोग राजा रानी फिर इस बार कोई भी नहीं है. और फ्रंट सीट पे हैं हम लोग तो आप आराम से बेहतरीन व्यू देख सकते हैं. आपने अभी तक हमारे वीडियो में मेरे कोई भी फ्रेंड या इनके किसी फ्रेंड को नहीं देखा है आपने. हम लोग क्योंकि हमारा वीडियो ही शुरू हुआ लॉकडाउन में मौका नहीं मिला तो आज पहली बार हम आपको अपने किसी फ्रेंड से मिलाने वाले हैं. और ये एक सरप्राइज होगा इस वीडियो का कि आप पहली बार हमारे किसी खास फ्रेंड से आप मिलने जा रहे हैं यूट्यूब पर. तो उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और आपको एक और सरप्राइज हिंदी बोलने वाला मिलेगा उसमें. बताइए आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सोनिया है, मैं बुडापेस्ट से हूँ. तो मेरे हिसाब से आपके लिए खास होने वाला है फॉरेनर्स स्पीकिंग हिंदी. तो चलते हैं और आपको बेहतरीन बस राइड भी अभी कराएंगे. क्या लुक है लूसी? सेंट पॉल कैथेड्रल का आपको गुंबद देख रहे होंगे, डोम. और उसके ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा द शार्ड. और स्काई ऐसा लग रहा है जैसे इसके पूरे स्काई में ना कॉटन फैलाया हुआ है. तो देखिए ये डबल डेकर बस है. तो ये नीचे देखिए स्टेयर केस, वहाँ पे टीवी स्क्रीन है और सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा हुआ है. ये हॉलबॉर्न वायाडक्ट. ये देखिए सामने जो बिल्डिंग है ये है द वन ब्लैक फ्रायर. और हमारा स्टॉपेज भी इसी के पास है. इसका निक नेम मालूम है क्या है? इस बिल्डिंग का निक नेम है द टमी, द वास. ये सामने आपको स्टेशन है, सामने द शार्ट बिल्डिंग. ये थेम्स. हम लोगों का टाइम आ गया उतरने का, चला जाए. ओह लूसी, बाढ़ है ये तो, फ्लड है. आपको अंदाजा लग रहा होगा कि भीड़ की क्या हालत है. पर ये है कि लोग जो है क्यू में हैं, अपने अपने दूरी बना कर रखे हुए हैं. ओह ऑल द स्काईलाइन बिल्डिंग वहाँ देखिए. ये हमारा ग्रुप फ्रेंड आ गए. ये देखिए. हेलो, मास्क कहाँ है आपका? आप गेस करिए कौन कहाँ से है. ये है टेट मॉडर्न म्यूजियम. जब खुलेगा नॉर्मल होगा तो एक बार हम इस पे भी टूर कराएंगे आप लोगों को. अलग अलग सबके नाम भी लिखे हुए हैं इस पर, किसने किसने लगाए हैं. आप भी विश करने हैं, आपको भी कुछ मानना है मन्नत, तो यहाँ आकर और लगा सकते हैं अपने लॉक.
कैफे नीरो। मैं फास्ट पे हूँ तो मुझे तो कुछ करना नहीं है, लेकिन इन लोगों को शायद कॉफ़ी लेना है। See the sky, oh my god. तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड के साथ, आप देखिए यहाँ। और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे, जो लोग भी वीडियो देखते हैं उन लोगों ने पूछा है मुझसे कि लंदन में रहना कैसा है, लंदन की लाइफ कैसी है, वहाँ का कितने लोग रहते हैं, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, कौन कौन है। तो यहाँ हम जो बैठे हैं ना, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि लंदन कितना कल्चरली डाइवर्स है। अब देखिए, हम लोग लंदन में हैं, इनमें से कोई भी लंदन से नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ये जो अपने आप को इंग्लिश बोलती हैं ये भी लंदन से नहीं है। तो इनसे ही पूछते हैं कि ये लोग कहाँ से हैं और इनको इंट्रोड्यूस कराते हैं हम आपसे। तो सबसे पहले ना मैं लूसी से ही पूछता हूँ, लोग इनको इंग्लैंड से तो है ही हैं लेकिन लोग समझते हैं ये लंदन से हैं। तो आप बताइए, आप कहाँ से हैं एक्चुअली? अलग देश है, लंदन की बगल, लंदन में, इंग्लैंड की बगल में। हाँ, तो ये देखिए, अब ये यहाँ है और ये है वेल्स से। हाँ, सही बात है। और उसके बाद मैं इनसे पूछता हूँ, आप बताइए आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सोनिया है, मैं बुदापेस्ट से हूँ। अच्छा, आप इंग्लिश हिंदी बोलती हैं? शुक्रिया। इनसे तो एक दो और सवाल करना पड़ेगा, वो बाद में करते हैं, पहले हम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं इनको। मेरा नाम जगमान है, मैं नई दिल्ली से, भारत से। देखिए, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये इंडिया से हैं, मैं इंडिया से हूँ, एक बुडापेस्ट और एक वेल्स से हैं। तो अब देख लीजिए कल्चरली कितना डाइवर्स है। अब मुझे नहीं मालूम है कि यहाँ लोग जो हैं इसमें कितने लोग लंदन से होंगे, मेरे हिसाब से 5-10% भी हो तो गनीमत ही है। तो आपने देखा ना, इनमें से एक भी लंदन से नहीं है। तो अब इनसे अब पूछता हूँ कि ये लंदन में क्या करते हैं और इनकी क्या हॉबीज़ है, मे बी इनका डेली रूटीन क्या है। मुझे नहीं मालूम मैं कौन सा सवाल करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले पूछता हूँ कि इनको कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। तो सबसे पहले ना फिर हम लूसी से ही जानते हैं, आप लोग तो वैसे जानते हैं हिंदी बोलती हैं लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? सिर्फ इंग्लिश और थोड़ा सा हिंदी। बस यूनिवर्सल लैंग्वेज इसीलिए इंग्लिश को कहा जाता है ना। हाउ मेनी लैंग्वेज यू स्पीक? Six. Yes. इसे क्रिकेट में इसको बोलते हैं छक्का। बाउंड्री के पास। So, can you name all the languages? Yes, I speak Hungarian. That's my mother tongue. Then English, French, German, Italian, Spanish. कहीं बेहोश ना हो जाऊँ मैं भाई। अच्छा जगमान जी, आप? अंग्रेजी, हिंदी, थोड़ा बहुत जर्मन भी बोलता हूँ और थोड़ा पंजाबी भी समझ सकता हूँ। उर्दू तो आती है, मैंने आती तो है क्योंकि हिंदी हिंदुस्तानी है ना भाषा, इसलिए तो उर्दू समझ सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ तो हंगेरियन सीख रहा हूँ। तो आप भी मतलब 6 लैंग्वेज के पास पहुँचने वाले हैं? पहुँचने वाला हूँ, हाँ, है ना, डाइवर्स, 6 लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज, 3 या 4 लैंग्वेज मुझे, और हिंदी एक्सपर्ट। आप दोनों कैसे मिले? हिंदी आपने सिखाया था या आप लोग, आप ही बताइए। मेरी वजह से। आपकी वजह से? हाँ जी। इसलिए वो इनकी बात, इनसे बात कर सकते हैं, इसकी पहले बात नहीं कर सकते थे इनसे। No, that's interesting. No, I'm joking. You both know English, but you wanted to have a chat in Hindi sometime, na? Well, yes, but also because his family speaks kind of English. Oh. A mix between Hindi and English. About 70-80% yeah. Hindi, I'd say. So it means you both met at Hindi class? We did.
also as I think specialist in these languages and Asian languages in general. So we took the class there together. So Hindi made both you friends. Thanks to Hindi. Yeah. आप यहाँ कितने साल से हैं? और आपका एक्सपीरियंस क्या है? वैसे आप तो यहीं रह रही हैं शुरू से. तो मैं यहाँ से हूँ 2007 से. तो ये क्या है? 2007. 13 साल हो गया. हाँ, बहुत टाइम हो गया. I've been here. I came here in 2013 around August, and it's been almost 8 years now. That's a long time. It's been good so far. It's very diverse, as you can see, yeah, from our group, which is definitely a bonus. No one Londoner here. Exactly, no Londoners. I came here for university originally, but now I stay here to work. I've been doing my training here and everything. Experience-wise, it's good because it is very diverse, but I don't think it's particularly easy to integrate with the locals as a foreigner. So that's definitely been quite a challenge for me. Other than that, it's nice, especially in the summer. It's good weather. Yeah, it's really nice in summer. Yeah. Yeah. London summer is amazing. It's very sunny. Do not enjoy the winter. मैं यहाँ 7 साल से 2014 में आया था. वैसे तो इंग्लैंड में 2008 से रह रहा हूँ, लेकिन 2014 में यहाँ आया था यूनिवर्सिटी के लिए, पढ़ने के लिए आया था. और बहुत बड़ा शहर है, अच्छा शहर है. यहाँ कर अगर मनोरंजन भी बहुत है. इंटरटेनमेंट तो है ही है, वो दिख रहा है. और लोग अच्छे हैं, कुछ इतने भी अच्छे नहीं है, पर बड़ा शहर है इसलिए. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ठीक ठाक है? ठीक ठाक है. हाँ, बिल्कुल ठीक है. लुसी, आप बताइए, आपने क्या पढ़ाई की और क्या करती हैं यहाँ? तो मैं लंदन में पढ़ाई किया और मैं हिस्ट्री बात पढ़ाई किया, और अभी मैं म्यूजियम में काम करती हूँ. म्यूजियम में काम करती है. तो हिस्ट्री ऑफ आर्ट में आपने मतलब मास्टर डिग्री किया था? हाँ, दोनों. So I studied languages and culture as my first degree, and then I converted to law, and then I did a master's in business and management. Oh, and now you are working as? Now I'm a trainee lawyer qualifying in September. Lawyer. Yeah. Oh, वकील है. वकील. तो लंदन में मैंने फिलॉसफी पढ़ा था, और उसके बाद मैंने लॉ पढ़ा था 2 सालों के लिए, और अभी मैं वकीलों के साथ काम करता हूँ, पर मैं खुद वकील नहीं हूँ. आप भी लॉ फर्म में काम करते हैं, आप भी लॉ फर्म में काम करते हैं, और आप म्यूजियम में काम करती हैं. अच्छा, अगर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जब सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा, तो आप कौन से कंट्री को विजिट करना पसंद करेंगी? मैं हंगरी जाना चाहती हूँ. इसलिए कि यह वहाँ से है, इसलिए? We've been planning to go last summer, but because of lockdown and everything, unfortunately that didn't happen. But I'd really like to see where he comes from. So India would be the first. आप कहाँ से आते हैं? So you also want to visit India, or you prefer to go some other country? India also, जो South India, जैसे कि Kerala और ऐसी तरह के, वहाँ भी जाना चाहता हूँ, ऐसे शहरों में. वैसे Kerala मेरे priority में है. पिछले 5 साल से, पर आज तक कभी मौका नहीं मिला. अच्छा. बहुत अच्छी मीटिंग रही हमारी, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो. अब इनके जाने का टाइम आ चुका है. सब्सक्राइब करो, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट, और कुछ नहीं.